हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSNL के कुछ कर्मचारियों के बारे में, जिनको फिर से एक निकालने की बात की जा रही है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें मेरी वीडियो के और आप देखते रहें मेरी वीडियो को और अपनी इन्फॉर्मेशन को लेते रहें, अपने डाउट को क्लियर करते रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने कहा, BSNL कर्मचारी गद्दार नहीं चाहते काम करना। BSNL के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कहा है कि वो गद्दार हैं, वो काम करना नहीं चाहते। सरकार 88,000 कर्मचारी को पहले निकाल चुकी है, मतलब कि निकाल चुकी है, कुछ लोग थे और अब और निकालने की बात करेगी, जिससे निकालने के बाद निजीकरण किया जाएगा, मतलब फिर से इसे स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। अनंत हेगड़े का ये फोटो है। बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार उनके निशाने पर भारत संचार निगम लिमिटेड के BSNL के कर्मचारी हैं, जिन्हें उन्होंने गद्दार तक कह दिया है। मतलब कि उन्हें गद्दार तक कह दिया कि वो BSNL को उठने नहीं दे रहे हैं, अपने ऊपर नहीं मतलब कि दूसरों के ऊपर कह रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL के कर्मचारी गद्दार हैं, जो एक नाम कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करना चाहते। उनका मतलब कहने का मतलब कि BSNL आगे बढ़ जाता, लेकिन इनके कर्मचारियों की वजह से BSNL इतने घाटे में पड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं और क्या होता है आगे को। उन्होंने सरकार की ओर से सरकार कर्मचारियों को दिए जा रहे BRS को इससे जोड़ते हुए कहा कि 88,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाला जाए, मतलब ये थोड़ा गलत लिख दिया है। इन्होंने कहा है कि 88,000 कर्मचारियों को निकाला जाए और निकाला जाए 88,000 कर्मचारियों को, क्योंकि सरकार BSNL का निजीकरण करेगी। हेगड़े ने एक बयान में उत्तराखंड जिले में कुमिता एक कार्यक्रम के दौरान दिया। गौरतलब है कि PM मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं अनंत कुमार हेगड़े, कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने इसी साल फरवरी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उपवास और सत्याग्रह के ड्राम करार दिया था। इसके बाद उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी का सामना करना पड़ा और पार्टी ने उन्हें माफी मांगने को कहा था। मतलब उन्होंने ऐसा किया कि राष्ट्रपिता जो हमारे महात्मा गांधी हैं, उनके लिए भी बुरा भला कहा, तो इसके लिए BJP सरकार के जो कर्मचारी थे, मतलब कि उनके नेता थे, राजनेता, उन्होंने इससे कहा कि तुम माफी मांगो, तुमने ये बहुत गलत किया, तो उन्होंने उनके कहने से माफी मांगा। मतलब ये बार बार गलत ही काम करते जा रहे हैं, बार बार विवादित बयान देते जा रहे हैं, जिससे कि लोगों में लड़ाई छिड़ने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL ने घाटे में कमी के जरिए कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मौका दिया है। 50 साल की आयु पूरी कर चुके हैं उनसे अधिक उम्र के BSNL के सभी नियमित और स्थायी कर्मचारी BRS के लिए आवेदन देने के पात्र हैं। कंपनी को उम्मीद है कि करीब 80,000 कर्मचारी BRS चुन सकते हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने भी कर्मचारियों को विकल्प दिया। मतलब कि जो इनके जो अभियान, जो क्या नाम था इनका, जो हेगड़े हैं, तो हेगड़े ने ये बयान दिया, इससे थोड़ा विवादित बयान है कि जो इसके कर्मचारी हैं थोड़ा सा विवाद होगा, वो धरना भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इनको जो आगे के काम की हुआ, उसमें हुआ कि लगभग सरकार को ऐसा लग रहा है कि जो कर्मचारी हैं BSNL के, वो 80,000 कर्मचारी अब भी BRS का जो फार्म है वो भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जब मैं वीडियो अपलोड करूँ। कल वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ आएंगी और बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि BSNL चलने वाला है और आपके लिए बहुत ज़रूरत है BSNL की न्यूज़ की। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को अभी प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला कंटेंट देखने के लिए तैयार रहिए। बाय।